हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और अभी तक हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। और रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर जो पर्टिकुलर पॉइंट है। तो हमें गिवन क्या है, वेरिएबल रेडियस। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर एंड वी वी रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। ठीक है जी, तो हमने फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने डी वी डी आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे वी जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। तो जो स्फेरिकल शेप होती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस डी वी डी आर। तो ये आपके पास बनेगा जी 4/3 पाई और ये बनेगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया जी 4πr² और यूनिट क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब में आएगा और अपॉन रेडियस है, तो रेडियस किस में, सेंटीमीटर में। तो दिस इज योर रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये आपका आंसर है। बट उसने हमें एक कंडीशन दी है कि आप 10 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा तब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट करेंगे 4π 10 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये बन गया जी ये 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग वेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, ये देखिए मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये देखें ये ग्राउंड है जी, ये वॉल है। तो एक लैडर जो है इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, वो लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के साथ खड़ी है। और मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये है सी, ये है ए और ये है बी और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे। अब देखें जी, आपको गिवन क्या है कि द बॉटम ऑफ लैडर, ये जो बॉटम था बी ये पहले ए पे था, तो आपने इसे अवे किया फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की दर से ये यहाँ से दूर गया। और जैसे ये यहाँ से इस तरफ जाएगा तो ये जो सी पॉइंट है ये नीचे आएगा, आएगा ना, अगर बी को यहाँ ले जाओ ये सी यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इसका जो डिस्टेंस है फुट से, वॉल के फुट से, वो इंक्रीज होगा तो इसकी हाइट जो है फ्रॉम द ग्राउंड टॉप ऑफ लैडर वो डिक्रीज होगी। तो हमारा जो रिलेशन है वो किस में है, इसमें और इसमें। तो पहले तो हम इसे लेट कर लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये देखिए लेट वी सी, तो बी सी क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, और ए बी इसे हम एक्स मान लेते हैं, और ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, और हाइट को हम एच ले लेते हैं, ये जो हाइट है ये क्या है जी, हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है जी, किस ग्राउंड से यहाँ से यहाँ तक किस हाइट, अब एच है एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमने बी और सी ले लिया। अब हमें गिवन क्या है, पहले वो देख लेते हैं, हमें गिवन है कि जो जो
बॉटम है लैडर का, उसे पुल्ड किया गया है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उसे हमने क्या डिस्टेंस को माना हुआ है, एक्स को। तो फिर हमें क्या गिवन होगा जी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो इस लैडर का जो फुट है उसको किस रेट से हमने पुल किया है, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसी ही रेट से ये नीचे भी आएगा, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें इन दोनों में रिलेशन डेवलप करना है, तो क्वेश्चन में हमें कोई रिलेशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें एक्स और एच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स और एच आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है जी, सी ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, मतलब 5 का स्क्वेयर आएगा एच स्क्वेयर। एच स्क्वेयर आपने यहाँ पे इधर रहने दें तो ये लगे 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए जी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हमने इसे डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। देखो, हमें जो गिवन है कंडीशन वो गिवन है डी वाई डी टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर जो हमारा आंसर है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, और हमें इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मेरे पास क्या बन गया जी, 2h डी एच डी टी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस 2x डी एक्स डी टी। यहाँ पे देखिए डी एक्स डी टी की आपके पास वैल्यू है, यहाँ पुट कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल है, ये बन गया जी डी एच डी टी माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे h आ जाएगा, डी एक्स डी टी की वैल्यू आप यहाँ पे 2 लिख दें तो ये आएगा जी माइनस 2x अपॉन h, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा जी, मीटर मीटर पर सेकंड। इस रेट से इसकी जो हाइट है वो कम होगी, डिक्रीज है ना, तो माइनस यहाँ लगा तो इसका मतलब ये डिक्रीज हाइट हो रही है। अब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट है कि इसकी जो फुट का, इसका लैडर का जो फुट है वो कितने दूर अवे है जी, 4 मीटर। तो यहाँ पे हम 4 मीटर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें एच की वैल्यू भी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जब 4 मीटर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एच की कितनी होगी वो भी हमें यहाँ फाइंड करने पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज़ करेंगे इसका। तो व्हेन एक्स इज इक्वल 4 मीटर, तो हमारे पास आ गया जी एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 16 बन जाएगी, 25 एच स्क्वेयर 25 माइनस 16 दैट इज 9, और एच की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3। तो अब दोनों वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाइट का जो है वो आप फाइंड कर लें। यहाँ पे आप लिखें एक्स है आपके पास 4 मीटर, एच आपने 3 मीटर निकाला था, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिए जी माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी 4 और नीचे 3 मीटर पर सेकेंड, ये बन गई माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट, हमने पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक कर्व है जी, देखो इस कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक पार्टिकल है, ये सपोज करो पार्टिकल ये मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग। हमने फाइंड क्या करना है कि इस कोई एक पॉइंट है जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो जो चेंज होता है y कोऑर्डिनेट वो 8 गुना ज़्यादा चेंज होगा जितना x का कोऑर्डिनेट वहाँ पे चेंज होगा। तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है, मान लो मैं इसे P ले लेता हूँ और ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो हमने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि लेट
पी एक्स वाई वी एनी पॉइंट ऑन द कर्व एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी पॉइंट पे, किसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे ये जो जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे है, जो मूव कर रहा है वो पी पे है, जहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स और वाई। अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे इसके जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है ए टाइम एक्स के चेंज, तो मेरे पास फिर क्या गिवन हुआ कि डी वाई डी टी इज इक्वल टू एट इंटू डी एक्स डी टी। अब यहाँ चेंज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई और वेरिएबल नहीं है। तो फिर क्या हो गया जी, एक बार फिर से देख लें कि हमने पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर, जिस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, वो जो चेंज हो रहा है वो ए टाइम चेंज हो रहा है एक्स के कोऑर्डिनेट से, मतलब जितना एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वाई उसका 8 गुना चेंज हो रहा है। तो ये मेरे पास गिवन कंडीशन है, फाइंड आउट करना पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कर्व इक्वेशन क्या है जी, देखिए जी इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बन जाएगा जी 6y डी टी, ये बन गया जी 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, कॉन्स्टेंट है ये जीरो हो गया। तो dy dt की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे आप पुट करें, ये मेरे पास आ गया जी 6 इंटू 8 डी एक्स डी टी इज 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो ये मेरे पास बन गया जी 48, आप काट भी सकते हैं, ये देखो 2 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास जी 16 डी एक्स डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो यहाँ पे इसे आप इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया जी, आप देखें जी ये और ये दोनों 0 होंगी, या ये 0 ये 0, हाँ डी एक्स डी टी यहाँ पर 0 हो सकता है, डी एक्स डी टी क्या 0 हो सकता है? 0 कब होगा जब x कॉन्स्टेंट होगा, क्यों हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो x यहाँ पे कॉन्स्टेंट चाहिए, पर यहाँ x कॉन्स्टेंट थोड़ी है, x तो वेरिएबल है, तो ये फिर 0 नहीं हो सकता, फिर आपके पास 0 क्या बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये मेरे पास है इस कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट था इस पॉइंट का उसकी वैल्यू आ गई। अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप यहाँ से y की निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसे आप मान ले लें, हाँ जी इफ़ x इज इक्वल टू 4 तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की क्या आ जाएगी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ पर आएगा 4q प्लस 2 और ये बन जाएगा 6y, ये बन जाएगा जी 64 प्लस 2 दैट इज 66 और y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 दैट इज 11। और सेकेंड पॉइंट आएगा इफ x इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस 4 पावर क्यू प्लस 2 और ये बन जाएगा जी माइनस 64 प्लस 2 6y इज इक्वल टू माइनस 62 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 62 अपॉन 6 तो 3 और ये बनेगा 31 तो ये आएगा माइनस 31 अपॉन 3। तो पॉइंट्स क्या बन गया जी, तो पॉइंट्स आर पहला पॉइंट आएगा जी 4, 11 और दूसरा आ गया जी माइनस 4 माइनस 31 अपॉन 3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग वैन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है कि जो एयर बबल है एक स्फेरिकल शेप है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
और हमने उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट कर लें, लेट आर एंड वी बी रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। तो यहाँ पे हमें पहले गिवन क्या वो लिख लेते हैं, हमें दिया है रेट डी आर डी टी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, क्योंकि रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस आया। तो ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेट निकालना वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम होता क्या है जी, एयर बबल एक स्फेरिकल शेप है, तो जो भी स्फेरिकल शेप हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है जी 4/3 पाई आर क्यू, अगर उसका रेडियस आर है। तो हमने फाइंड करना है डी वी डी टी, तो करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यह आ गया जी 4/3 पाई 3 आर स्क्वेयर डी आर डी टी, ठीक है जी। डी आर डी टी की यहाँ वैल्यू आप पुट कर लें, ये 3 से 3 कैंसिल है जी, 4 पाई आर स्क्वेयर और ये है जी 1/2 और ये है डी वी डी टी। तो इसका जो यूनिट क्या आ जाएगा जी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आएंगे जी 2 पाई आर स्क्वेयर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो पर्टिकुलर पॉइंट भी है 1 सेंटीमीटर, आप एट आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दें, ये आ गया जी डी वी डी टी इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से इस एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एक वेरिएबल डायमीटर गिवन है बैलून का और हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है उस वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, ये जी डायमीटर ऑफ बैलून, ये गिवन हमें जी 3/2 2x+1। तो यहाँ पे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, देयर फॉर रेडियस ऑफ बैलून ब्रैकेट में आर लिख लें, ये बन गया जी 3/4 2x+1। हाँ जी, वॉल्यूम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वी वी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या आ जाएगा जी, वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो आर यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है जी, आर है यहाँ पे, ये आर है, तो आर की वैल्यू लिख लीजिए 4/3 पाई 3/4 × 2x+1 और होल पावर है क्यू। सॉल्व करने से ये आएंगे जी 4/3 पाई, ये है 3 की पावर 3, यहाँ 4 की पावर 3, तो 2x+1 की होल पावर 3। ये देखो एक 4 1 4 1 3 1 3 कैंसिल, यहाँ 9 बन जाएगा पाई और नीचे आएगा 16, यहाँ आ गया 2x+1 की पावर 3, दिस इज योर वी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। अब आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है इस वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये गिवन आपको, यहाँ कोई टी या सोचने की बात नहीं है, उसने आपको गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। करें जी डी वी डी एक्स, हाँ जी 9 पाई/16 कॉन्स्टेंट, हाँ जी, तो इसे हम मान लेते हैं पूरा u/3, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, देखो जाएगा जी 3 × 2x+1 की पावर 2 और फिर इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा जी 2x+1 का डिफरेंशिएट 2, तो यहाँ से ये कट सकता है जी 8, तो ये आपके पास बन गया 9 × 3 = 27 π/8 2x+1 का होल स्क्वायर dv/dx। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसका जो यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें यूनिट कोई दिया नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख दें यूनिट क्यूब पर यूनिट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन ए ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इनक्रीजिंग. ये हमने फाइंड करना, और हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया है 4 सेंटीमीटर हाइट दी है. क्वेश्चन क्या है ये देखें, ये एक पाइप है जी. इस पाइप में सैंड जो है नीचे गिर रही है और ये शेप बना रही है कोन की, ठीक है. तो अगर कोन की शेप बन रही है तो इसकी कोई हाइट भी होगी, उसे हम लेट टच कर लेते हैं, और इसका रेडियस भी होगा उसे हम आर मान लेते हैं, और इसका जो वॉल्यूम है उसे हम वी लेट कर लेते हैं. तो पहले ये लिख लेते हैं, पहले लेट आर कॉमा एच एंड वी वी रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन. जो सैंड कॉन बन रहा है हमारा उसका हमने रेडियस हाइट और वॉल्यूम हमने कंसिडर कर लिया. अब देखें जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं कि सैंड इज पोरिंग, सैंड गिर रही है एक पाइप से किस रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो अब देखो जब सैंड गिरेगी तो सैंड क्या बना रहा है, एक कोन बना रहा है, और इस कोन का जो वॉल्यूम है जितनी सैंड गिरेगी उसके बराबर होगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो फिर हमें क्या गिवन है, डी वी डी टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यहाँ पे जो वी है वो वॉल्यूम ऑफ कोन है. सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो कोन बन रहा है उसकी जो हाइट है वो हमेशा ही 1/6 है. क्या है वो, 1/6 है किसके, रेडियस के. मतलब जो हाइट हमने एच लेट की है तो ये ऑलवेज 1/6 ऑफ आर होगी, ठीक है जी. तो दो कंडीशन हमें ये गिवन थी, हमने लिख ली. अब हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कोन, इस कोन की जो हाइट है ना एच वो कितनी इंक्रीज करेगी. तो हमारा जो रिलेशन है वो हुआ, वॉल्यूम हमें गिवन है और हाइट हमने उसका रिलेशन निकालना है. तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखें. तो पहले तो वी लिखने जी, वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है. तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है जी, 1/3 πr²h. हाँ अब देखें, ध्यान दें यहाँ पे, आपने रिलेशन जो है वो बनना हमारा वॉल्यूम जो हमें गिवन है और हाइट में. तो यहाँ r की वैल्यू यहाँ से हमें, यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं क्योंकि r भी वेरिएबल है. तो हमने दो ही वेरिएबल यहाँ हम रखने हैं, वी और h. तो यहाँ पे h r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6h. पुट कर दें यहाँ पे 1/3 π, और ये बन जाएगा 36h × h, और ये बन गया, आप ये काट भी सकते हैं, ये आ गया जी 12 πh²v. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. क्यों, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू टी गिवन है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी ही फाइंड करना है. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें, डी वी डी टी 12 π, ये बन गया जी 2. यहाँ पे ये एच स्क्वेयर होना था ना, एच क्यूब आना यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 3h² और डी एच डी टी. तो ये बन गया जी डी वी डी टी, और ये बन गया आपके पास 36 πh²dh/dt. तो अब हमने सिंपली डी एच डी टी यहाँ फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा था कि हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड जो है वो इंक्रीज कर रही है, मतलब डी एच डी टी. तो डी वी डी टी की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यह है जी 12, यह आ गया 36 πh² और डी एच डी टी हमने फाइंड करना है. तो ये अपॉन में ले आए 12/36 πh²dh/dt, यह आ गया जी 3, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास डी एच डी टी इज इक्वल टू 1/3 πh² cm/s. डी एच हाइट जो है वो सेंटीमीटर में होगी. तो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास एट हाइट, किस पे हाइट कितनी वहाँ पे होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर पे आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ
निकालें, तो ये आ गया 1/3 pi, और h का यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, ये आ गया 48 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द टोटल कॉस्ट सी एक्स इज रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी एक्स, और जी हमें रिलेशन गिवन है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आप देखें अभी तक जितने आपने क्वेश्चन किए उसमें जो क्वांटिटी आई है ना, वो एरिया, वॉल्यूम या पेरीमीटर आया किसी सर्कल का या कोन का या स्फीयर का, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है टोटल कॉस्ट, और हमने फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए पहले तो ये देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी आइटम को बनाती है तो उसमें जितना भी कॉस्ट लगता है उसे हम टोटल कॉस्ट हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये इस रिलेशन में दिया है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि जब हमने कोई एडिशनल आइटम प्रोड्यूस करनी है तो हमने एडिशनल वहाँ पे हमें कॉस्ट और लगाने पड़ेगी, तो ये जो एडिशनल कॉस्ट हम लगाते हैं दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई फिर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए आइटम। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इस कॉस्ट को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे देखें आपको सी एक्स गिवन है 0.007x³ - 0.003x² + 15x + 4000। तो हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट मैंने क्या बोली कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट dy/dx/cx। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपली आप डिफरेंशिएट करें इसे तो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट जो है बन जाएगी। ये आ गया जी मल्टीप्लाई 3 आगे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.021x² आ जाएगा, यहाँ पे ये 0.006x आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट 0। तो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, और आपके पास x की वैल्यू गिवन है कितनी है 17 यूनिट्स, तो यहाँ पे आप पुट कर दें, ये आ गया जी, तो यहाँ पुट कर दें 0.021 × 17² 0.06 × 17 + 15। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करके आ जाएगा जी 20.967 रुपीस, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई, ये रिलेशन में गिवन है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7। तो ठीक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने कि हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है और हमने मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा जी dy/dx(Rx), तो यहाँ पे dy/dx(Rx) करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दें 26x + 26, ठीक है जी, और x की वैल्यू कितनी है जी 7, पुट कर दें 26, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 26 और x कितना है जी 7 + 1 दैट इज 20 × 8, कितना आएगा जी 208 रुपीस, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खत्म।